एक बात मनोज जी ने बताया मेरे बारे में आपको, मैं तो आपके बारे में वो बताना भूल गया गुरु जी। एक बार एक कवि सम्मेलन में स्वीकृति दे के बहुत देर से आए, तो मैंने कहा सर जी देर कैसे कर दी। बोले यार एक जन्नत फिल्म चल रही है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ जन्नत में, उससे देर हो गई। तो मैंने सर जी से कहा कि जीते जी ठंडे हुए तेरे गम में, जीते जी ठंडे हुए तेरे गम में, तेरी जन्नत गई जन्नू में। एक बार भाई साहब मनोज जी क्या हुआ, मैं एक फिल्म में काम मांगने के लिए गया, तो बड़ा बढ़िया फिल्म थी वो, बहुत पीछे पड़ा रहा, तो डायरेक्टर से नाराज हो गया। बोले देखो भाई जल्लाद करोड़ करोगे, जल्लाद करोड़ करोगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलेंगे जल्लाद। मैं कविता पढ़ाता हूँ भाई मंच पर जाकर के, क्या बोलेंगे लोग। चलो 3 साल बाद फिर मैं गया, तो उसने कहा भैया फिल्म बन गई तैयार हो गई। बोले नहीं यार जल्लाद नहीं मिला। अब दोस्तों बहुत सी कीड़ियां चीटियां मुंगियां जिसे मराठी में कहते हैं, वो सड़क पार कर रही थी, कई रंग की, जैसे कई जात के लोग मेरे देश में रहते हैं, लाल पीली हरी काली नीली सफेद। मनोज जी ने नई नई गाड़ी ली थी सैलो, और ये लोग साथ में, तो पहली बार शायद क्या मैं कहते, पहली गाड़ी में तो भाभी ज़्यादा नहीं बैठती थी क्योंकि वो ठीक थी। सीरो नहीं आई तो बोले चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, एक प्रोग्राम में जाना था। चींटियां देख के रुक गया कि मैं गाड़ी पार करता हूँ सड़क पर तो चींटियां मर जाएंगी, रुक गए। भाभी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है भाई चींटियां मर जाएंगी, तो भाभी ने कहा देखो भगवान भाव की बुग्गे होते हैं, एक आध चींटी बचा लो भगवान को तुम्हारे भाव का पता लग जाएगा, फालतू बात मत करो, जितने सामर्थ्य हो उतना ही काम करो, बचा लो। तुम्हारे मनोज जी ने बड़े प्यार से चींटी उठाई, बचा ली, हाथ पर रख ली, चींटी बच गई। बड़े खुश हुए कि देखो मैंने चींटी बचा ली। चींटी बोली थैंक यू मनोज अंकल जी, आपने मेरी जान बचाई। वैसे भी आज मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मनोज जी बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये होता है जिंदगी में, मैं कविता शुरू करने से पहले एक 4-6 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि रामायण तो पढ़ते ही हम सुनते भी हैं, तो कभी भाव आया थोड़ा सा, वो मैं इसलिए कि प्रणाम के रूप में पढ़ देता हूं, उसके पश्चात मैं अपने हास्य कविताएं सुनाऊंगा आपको। ज्यादा मैं गंभीरता की ओर लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं माया जी ने जो पोस्टर लगाया था अपनी कविता का, उस पर अपना पोस्टर नहीं लगाना चाहता। दिल्ली में पोस्टर पर पोस्टर लगाए जाते हैं, वहां पर पोस्टर पर पोस्टर लगाने की वहां पर परंपरा है। एक पोस्टर उस पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया, अपनी दीवार पोस्टर पोस्टर पोस्टर। अब लालू प्रसाद यादव दिल्ली जा रहे, पोस्टर लग गया, पोस्टर पर पोस्टर लगा, पीछे वाला पोस्टर नीचे वाला कि 9 दंपति सब लोग क्लिनिक, 9 दंपति निराश न हो, नीचे वाला पोस्टर लालू यादव शहर में। ये पोस्टर पे पोस्टर लगते हैं ऐसे। तो 4 पंक्तियां रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए बाबा तुलसी को पढ़ देता हूं, उसके पश्चात फिर मैं आपके सामने और कविताएं पढ़ता हूं। जहां रामायण हो राम वहां, धरती के चारों धाम वहां। जहां रामायण हो राम वहां, जहां रामायण हो राम वहां। हर दोहा जमुना की धारा, हर दोहा जमुना की धारा, चौपाई गंगा जल प्यारा, चौपाई गंगा जल प्यारा, छंदों में सरजू नीर बहे, छंदों में सरजू नीर बहे,
गोस्वामी तुलसीदास के मन पाता है आराम वहाँ, जहाँ रामायण हो राम वहाँ, जहाँ रामायण हो राम वहाँ। अब मैं महाराज जी ने बताया नेताओं के बारे में कहा, इनने भी कहा, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी नेता को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, कविता तो उन पर लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीओ को वो नहीं रह गए कि उन पर कविता लिखी जाए। ठीक बात है, ये बात है। बाबा तुलसी के जमाने में राम थे नेता, लिखी रामायण युग युग बदलने के लिए काफी है। कृष्ण के जमाने में सूरदास ने लिखी, उनको नेता मिल गया, ऐसे मिलते रहे लोग, लेकिन हमको जो मिले हैं उन्हीं भी लिखना पड़ता है, क्या करें। फिर भी नेता बहुत जरूरी है देश के लिए, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी के ये परिणाम नजर आते हैं कि चोर खादी में खुलेआम नजर आते हैं। डेमोक्रेसी के ये परिणाम नजर आते हैं कि चोर खादी में खुले आम नजर आते हैं, जो कल तोला न थे न माथा थे न रत्ती थे, वही कुर्सी पे किलोग्राम नजर आते हैं। जो कल तोला न थे न माथा थे न रत्ती थे, वही कुर्सी पे किलोग्राम नजर आते हैं। तो निवेदन करता हूं कि नेता बहुत जरूरी है देश के लिए। क्यों, मैं सिद्ध करता हूं, मैं देश के लिए नेता यहां से कविता शुरू करता हूं, और मुझे कोई रास्ता नहीं है, वही मुझे समाप्त करना पड़ेगा झक मार के। देश के लिए नेता मैं तो शुरू करता हूं, और देश के लिए नेता पर कविता समाप्त होगी। देखिए आप, देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए नोट, नोट के लिए वोट, वोट के लिए वोटर, वोटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरे के लिए भत्ता, भत्ते के लिए भाषण, भाषण के लिए जनता, जनता के लिए वादे, वादों के लिए मांग, और मांग के लिए सिंदूर, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, नारी के लिए परिवार, परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए जिला, जिले के लिए प्रांत, प्रांत के लिए देश, और देश के लिए नेता। क्या बात है। लेकिन नेता ठीक, हमारे बीनू भाई भी नेता हैं, आज तो हैं मेरे नेता, वो हमको यहाँ पे लेके आए हैं, और ऐसे नेता देश को मिलना चाहिए जो सही रास्ता दिखाए, सही तरह से हमको यहाँ पर ले आए। मनोहर जी भी हमारे नेता हैं, तो नेता हर जगह होते हैं, लेकिन नेता अगर कमबख्त मंत्री बन जाए तो फिर क्या, सारा प्रॉब्लम, सारी समस्या नेता के साथ में मंत्री बनने पर, उसे पता ही नहीं होता करना क्या, कर दिया ना कबाड़ा देश का, सरकार नहीं बन रही, नेता नहीं मिल रहा, मायावती को बना दिया 6 महीने के लिए, कहा कि सब कुछ 6 महीने में हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, 9 महीने के बाद जो कुछ हो सकता है, 6 महीने बाद कैसे होगा, 6 महीने में क्या होना है। तो फिर जब नेता मंत्री बन जाए तो क्या करें, उस पर 4 से पंक्तियां बापू के चरणों में रख रहा हूं, मेरी सबसे बढ़िया पंक्तियां हैं, सुनिए 4 से पंक्तियां। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे, हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी, ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे, हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी, ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी, भगवान के भरोसे चल जाएगी। क्या बात। एक कविता छोटी सी याद आ रही है, एक महानुभाव हमारे घर आए, हमने पूछा तो आंखों में आंसू भर लाए, बोले रिश्वत लेते पकड़ गए हैं, भ्रष्टाचार समझते वाले अकड़ गए हैं। मैंने कहा, सच कहता हूं, मैंने नहीं मांगी थी, देने वाला खुद दे रहा था, और पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था। भाई वाह वाह, देने वाला खुद दे रहा था, पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था। अब आप ही बताइए, घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, क्या लेन देन भी रिश्वत कहलाता है। मैंने भी उसका एक काम किया था, एक सरकारी ठेका उसके नाम किया था, उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है, और ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से है। उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है, ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से है।
एक कविता सुनाने का मन है, थोड़ा सा व्यंग भी है और हास्य भी। देखें आप किस तरह से बन जाती है कविताएं, और मैं तो ऐसी कविताएं बुना करता हूं जिसमें कुछ सार्थकता हो तो अच्छा लगता है मुझे। एक सुनिए कविता। मैंने कल्पना की बापूजी कि जहां भी ईमान होगा ना वैसे आश्रम ही होगा, कोठियों में नहीं होगा। वहां रह ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। हमें अगर ढूंढना पड़ जाके ढूंढना पड़ेगा ईमान को, तो हमें जंगल ही जाना पड़ेगा, आश्रम में ही जाना पड़ेगा। इसी पर कविता लिखिए, सुनिए आप। ईमान जी को खोजते खोजते जैसे ही उनके आश्रम में पहुंचे तो आश्रम की जगह कोठी नजर आई। हमने जैसे ही कॉल बेल दबाई एक नारी बाहर निकल करके आई और बोले किससे काम है भाई। हमने पूछा ईमान जी घर पर हैं, वो बोली ईमान जी को गुजरे हुए बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। ईमान जी को गुजरे हुए बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ मुझे महंगाई कहते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ मुझे महंगाई कहते हैं। हमने कहा ईमान जी की एक बेटी थी, बोले जी हाँ गरीबी। हमने पूछा ईमान जी की एक बेटी थी, बोले जी हाँ गरीबी, पीछे वाले झोपड़ी में रहती है, उसने हिंदी के टीचर से शादी कर ली, उसने हिंदी के टीचर से शादी कर ली, अपनी रेशम जैसी जवानी खादी कर ली, 50 वर्षों में कपूतों के ढेर लगा दिए, अपना तो एक ही सपूत है, भ्रष्टाचार सामने वाले बंगले में रहता है और जमाना उसे प्यार से शिष्टाचार कहता है। सामने वाले बंगले में रहता है और जमाना प्यार से उसे शिष्टाचार कहता है। मेरा बेटा भ्रष्टाचार जिसके साथ है उसकी आंगन में अंगड़ाई लेती है गुलाबी रात, दरवाजे पर दस्तक देती है सुनहरी भोर, उसके हाथ में चांदी का जूता है, उसके हाथ में चांदी का जूता है, जिसके सर पर पड़ता है वही चिल्लाता है वंस मोर वंस मोर वंस मोर।